आज भले जरूरत समझा जा रहा है कि युवा वर्ग राजनीति में आवे और राजनीति में युवाओं की संख्या बढ़ भी रही है, लेकिन कालांतर में जब गुजरा वक्त हुआ, हर माँ बाप की चाहत होती थी कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ाई करे, पढ़ाई पूरी करने के बाद अच्छे पद पर जाए, परिवार का नाम रोशन हो। उस लड़के में पढ़ने की चाहत भी थी और उसने पढ़ाई भी की, लेकिन एकाएक उस वक्त में जब कोई नहीं चाहता था कि इस राजनीति के रास्ते पर आवे, फिर भी उसके कदम राजनीति में आए। आखिर कैसे? हमारे साथ जो व्यक्ति अभी मौजूद हैं, वह राजनीति में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं जवाहर पासवान जी। कैसे राजनीति में आए, कैसे शुरुआत हुई, किस किस पद को उन्होंने सुशोभित किया, आगे क्या चाहत है, वर्तमान में राजनीति दिशा किस ओर है, कई विषयों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कैसे राजनीति में हुआ, कैसे शुरुआत हुई। हमने कहा कि आज भले लोग की चाहत है कि वह राजनीति में आवे, लेकिन वक्त था कि जब नहीं कोई चाहता था। उस वक्त में अच्छी पढ़ाई आपकी हो रही थी, लेकिन एकाएक इस रास्ते पर कैसे आना हुआ, राजनीति में कैसे आया, एक छोटे से गांव से निकल कर? देखिए, हम तो बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। मेरे पिताजी चपरासी थे और माँ बहुत ही पढ़ी लिखी नहीं थी। लोगों की इच्छा थी कि हम पढ़ करके कुछ आगे बने। मैंने पढ़ाई भी किया, लेकिन जब हम आईए में पढ़ रहे थे और डाल्टन हॉस्टल में रह रहे थे, अनुसूचित जाति जो छात्रावास है बाईपास रोड में, वहाँ रहते थे, तो पहली बार हमको विद्यार्थी परिषद के एक शुक्ला जी थे और एक श्याम बिहारी राय थे, इन लोगों से मुलाकात हमारी, और इन लोगों ने हॉस्टल में जाकर के हमसे जो है से बातचीत की, फिर हमको विद्यार्थी परिषद में आए। जब विद्यार्थी परिषद में हम मेंबर के रूप में काम लगे करने, और विद्यार्थी परिषद का जो है उस समय एक हम लोग का जुनून था, जैसे हॉस्पिटल में जाना, किसको खून की जरूरत है, किसको क्या है, इस तरह का हम लोग जो है से, तो हमको मन लग गया। फिर भी जो है हम बीए किए, बीए करने के बाद जो है एमए किए, एमए करने बीएड किए, बीएड करने के बाद हम घर में थे, कॉलेज में पढ़ाने के लिए हम नामधारी कॉलेज जो नामधारी जी का सतबरवा में था, वहाँ पढ़ाने भी लगे। देखिए है क्या, हमारे शुरू से मन रहा है कि हम समाज के लिए कुछ करें, और समाज से कुछ करने के लिए आप देखेंगे मेरा अगर ऊपर से उठा करके इतिहास देखेंगे तो हम लीडरशिप हमेशा करते रह गए। हम चाहे एमए किए, वहाँ भी जो है हम एक विद्यार्थी के बीच में, लोगों के बीच में नेतृत्व करते थे। विद्यार्थी परिषद के साथ रहने के चलते जो है से मेरा नेतृत्व की क्षमता जो है से लगा कि नेतृत्व करना चाहिए, इसलिए कि मैं जो समाज में देखता था, आज भी जो मैं देख रहा हूँ, वो उस समय भी देख रहा था, समाज में न्याय दिलाने वाले बहुत कम लोग हैं। लोगों के साथ अन्याय जब होता है तो उसके अन्याय के विरोध में, न्याय के पक्ष में खड़ा होने वाले लोग कम, तो हम लोग शुरू से मेरा स्वभाव रहा है। जब विद्यार्थी परिषद से आए तो फिर स्वर्गीय गोपीनाथ सिंह यहाँ के विधायक हुआ करते थे, उनके साथ हम भारतीय जनता पार्टी के, जिससे पहले आप देखते होंगे, पहले कैसेट नहीं होता था, लोग माइक से बोलते थे, तो हम घूर घूर के गाड़ी में बोलते थे, गाना भी गाते थे, पार्टी के प्रचार करते थे। पार्टी के प्रचार करते करते फिर जो है एक बार हम घर में बैठे हुए थे, सच पूछे तो मेरे पास कुर्ता पजामा एक भी नहीं था, लेकिन सुबह सुबह एक हमारे मामा रिश्ते में लगते हैं, जगदीश तिवारी जी नाम है उनका, हास्कर के रहने वाले, वह सुबह सुबह आए, आकर के हमारे पिताजी को बोले कि, क्योंकि सार बहनों की रिश्ता था, बोले कि यार से आपका बेटा को हम लेना है। हमारे पिताजी बोले कि कहाँ के लिए, तो नहीं इसको ले जाना चाहते हैं, नामधारी जी और गोपीनाथ सिंह जी बुलाए। पिताजी बोले कि ले जाइए, बच्चा आप ही लोग का है, हमारा तो जन्म दिया है, लेकिन बच्चा आप लोग का समाज का, ले जाइए। तो हमसे पूछे हो कि कुर्ता पजामा है, हम कि नहीं कुर्ता पजामा तो नहीं है, बोले कुर्ता पजामा नहीं है तो चलिए पेंट शर्ट पहन के चलते हैं। रांची गए, डाल्टनगंज गए, डाल्टनगंज में जो अमृत होटल है वहां जाने के बाद में बीजेपी के पूरे लोग बैठे हुए थे, नामधारी जी बुला करके पूछे कि क्या करते हो, हम पढ़ाई किए हैं रिसेंटली, अभी एमए करके घर में बैठे हैं।
कॉलेज में, बल्कि वही लगाए भी हमको, कॉलेज पढ़ाने भी लगे। 91 में हमको चुनाव लड़ाए, लोकसभा के चुनाव संपूर्ण क्रांति दल से हम 91 में लड़े थे। जब चुनाव लड़ने के बाद मेरे मन में एक भाव आया कि हमको चाहे 50,000 वोट मिला, 25,000 वोट मिला, उस समय 50,000 के लगभग वोट मिले थे हम, क्योंकि उतने लोग तो हमको लीडर मानते हैं। ठीक है, हम चुनाव नहीं जीते, लेकिन वे हमको अगर वोट दिए हैं तो उनका तो नेता हम ही हैं, इसलिए उनके लिए काम करना चाहिए। हम पब्लिक के काम करना शुरू कर दिए। इसी बीच में हमको बिसुत्री का मेंबर भी जिला के बनाया गया। अब बिसुत्री के मेंबर जब हम बने और जब काम लगे करने, अफसरों के बीच में जब हमारा चर्चा लगी होने विषय पर चर्चा, तो लोगों के मन में आया कि जवाहर पासवान भी एक है। तो फिर हम जिला कार्य समिति में बीजेपी में आए। जिला कार्य समिति के बाद जो है हम युवा मोर्चा में, ओम सिंह जी याद है, जब यह बनांचल हुआ करता था उस समय झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ, उसमें हम संगठन प्रभारी के रूप में, पलामू प्रमंडल के रूप में काम किए। यहाँ पर अध्यक्ष उसमें बाल मुकुंद सहाय जी थे, विनय चौबे जी महामंत्री थे, और संगठन महामंत्री के रूप, संगठन प्रभारी के रूप में काम करने के बाद फिर अगला जो संगठन का गठन होने लगा तो उसमें हमको प्रदेश के अध्यक्ष बनाया गया। उस समय हम घर पर थे, हमको मालूम भी नहीं था कि हमको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन हम एससी मोर्चा के अध्यक्ष बने। यहाँ पर सब लोग जब पेपर ऊपर लेकर रखे थे, हम बल्कि स्कूटर था उस समय, हम गढ़वा जब आए तो लोग कहे कि मिठाई खिलाइए भैया, मिठाई खिलाइए। हम बोले किस बात की मिठाई खाना है भाई, तो बोले कि मिठाई खिलाइए तो बताएंगे। जब मिठाई खिलाए तो लोग देखा कि, हमने देखा कि फर्स्ट पेज पर जैसे मेरा फोटो वोटो छपा है, हमको लगा हम प्रदेश अध्यक्ष हो गए। फिर अनुसूचित जाति मोर्चा में काम कर किए, काम करने के बाद में हमको लगता संगठन के लोगों को अच्छा लगा होगा, नेताओं को। तो जब अगला फिर कमेटी लगी बनने, तो हमको प्रदेश के महामंत्री बनाया लोग, भारतीय जनता पार्टी। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में हमने काम किया, पूरे प्रदेश में काम किया। साथ ही साथ हम तो सौभाग्यशाली है, एक चीज मामले में बताएंगे, बहुत लोग नेतागिरी करते ही है, नेतृत्व करते हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जब प्रदेश के महामंत्री थे, तो आपको एक जानकारी बताएं कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है किसी भी चुनाव कैंडिडेट के लेकर के, उम्मीदवार के लेकर के, तो जिस राज्य का होता है उस राज्य का अध्यक्ष महामंत्री उस समय जाते थे, संगठन महामंत्री जाते थे, अध्यक्ष जाते थे। लेकिन चूंकि प्रदेश में उस समय संगठन महामंत्री नहीं थे, तो हम ही सब काम देखते, तो हमको जाने का अवसर मिला। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, गृह मंत्री आदरणीय लाल किशन आडवाणी जी, जोशी जी, इन लोग के साथ में, प्यारे लाल खंडेलवाल जी, इन लोग के साथ में बैठ करके कुछ सीखने का अवसर मिला, तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। फिर प्रदेश महामंत्री के बाद जो है आगे कारवां जब चला, इस राज्य के मुख्यमंत्री जब आदरणीय ये अर्जुन मुंडा जी बने, तो हमको अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, उसमें काम करते रहे। काम करने के बाद फिर जो है से जब यहाँ पर चुनाव लगा होने, तो 2007 में उपचुनाव भी हम लड़े, उपचुनाव लड़े, कुछ मतों से पीछे रह गए, ये सिलसिला चलते रहा। आगे चलने के बाद में हम तो आसू से भी चुनाव लड़े थे, आसू चुनाव लड़े। ये मेरा कहिए कि राजनीति का एक बहुत बड़ा जो है मतलब भटकाव कहिए जीवन का, लेकिन फिर भी राजनीति में है, राजनीति करते हैं तो लड़ना काम है। हम तो समझते हैं कि लड़ना चाहिए, रिजल्ट की इंतजार नहीं करें, रिजल्ट का चिंता नहीं करें, लड़ना चाहिए। और लड़ने का मदद शुरू से मेरे पास, हम चाहे जनता के हित के लिए लड़ें, चाहे अन्याय के विरुद्ध लड़ें, हम तो लड़ते हैं। लगातार देखने में आता है जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुखर रूप से कार्यक्रम कोई भी हो, विषय कोई भी हो, उस विषय को पर मुखर रूप से बोलना, बेबाक रूप से बोलना, ये लगातार खबर नवीस होने के नाते, कार्यक्रम मौजूदगी होने के नाते हम लोग देखा करते हैं, सुना करते हैं। और एक बात और है आप में जो आप शायद महसूस नहीं की हो, शायद कोई ना कहा हो, फिल्म आप जरूर कभी दिखे होंगे, फिल्मी दुनिया में दो चीज, चेहरा होना चाहिए, अभिनय क्षमता तो अलग है, आवाज होनी चाहिए। रजा मुराद का फिल्म में होना आप देखे होंगे किसी फिल्म में खलनायक के रूप में, रजा मुराद की आवाज, बहुत भारी आवाज,
राजा मुराद जब फिल्मी दुनिया पहुंचे थे तो आवाज के आधार पर ही उनको फिल्म में सिलेक्शन हुआ था। एक बात हम हर समय महसूस किए हैं और जब भी आप मंच से भाषण देकर उतरते हैं तो एक बात हम जरूर महसूस किए कि आवाज जो सामने बैठे हुए जनता को प्रभावित कर दे, अपनी दमदार आवाज से उस व्यक्ति के दिल में वो बात समा जाए, ऐसी आवाज है आप में। तो अलग विषय हुआ जवाहर जी, आपने शुरू में कहा कि हम 91 में चुनाव लड़ा, नामधारी जी आपको क्रांति दल से 50,000 वोट मिला आपको, तो यह सही बात है कि भले चुनाव हार जाना अलग बात है लेकिन उतना लोगों के नेतृत्व आपके जिम्मे आई, उतने लोगों ने नेता माना आपको और लगातार आप प्रयासरत भी हैं, आगामी चुनाव भी आ रहा है, भाजपा ही वो पार्टी है, हम हर समय कहा करते हैं कि इसके द्वारा 12 महीना कार्यक्रम चलाया जाता है, चुनाव हो ना हो कोई मायने नहीं रखता है, तो आगामी चुनाव को लेकर भी लगातार आप प्रयासरत हैं पिछले कई सालों से, 2024 भी लक्ष्य है आपका, तो कैसे? देखिए सर, मैंने आपको एक बात बोला ना कि हमें लड़ने का मजा है, हम अन्याय के विरोध में लड़ते हैं, हम पार्टी के पक्ष में लड़ते हैं, जो गलत करता है उसके विरोध में लड़ते हैं। हम लड़ाई आपने देखा होगा कि चाहे वो भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई हो उसमें भी हम रहे हैं, चाहे आपने देखा होगा कि जो यहाँ पर स्थानीय विषय को लेकर के जो लड़ाई हो उसमें भी लड़ते हैं। देखिए पार्टी के सिपाही के होने के नाते, देखिए हमने कहा है कि भारत का फौज, भारत के जो सैनिक हैं, देश के सैनिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत माने में देखिएगा, उनको तुलना अगर आप करते हैं तो दोनों के में बहुत कुछ इक्वल पाया जाएगा। अब इक्वल क्या होता है, दोनों में इक्वल आप देखेंगे कि जिस तरह से सेना के जवान हमेशा तैयार रहते हैं, और सेना के जवान तैयार रहते हैं तो हमेशा अभ्यास में रहते हैं, और कमांडर जहां उनको लगा देता है कि आपको इस मोर्चा पर जाकर के लड़ना है, वो सेना के जवान वहां जाकर के डट जाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। तो जवाहर पासवान को चाहे तो सीमा क्षेत्र पर रखा गया, बॉर्डर पर रखा गया, या बॉर्डर के अंदर रखा गया, कहीं जिला में पोस्टिंग किया गया, नेतृत्व क्षमता दी गई, तो बखूबी निभाने का प्रयास किए ना जवाहर पासवान, तो सेनापति की भूमिका यहाँ पर होगी ना अब कि हाँ हमारा सेना का यह जवान है, इसे अब आने वाले समय में कहाँ जगह दिया जाए। देखिए सर, मैं सीमा ही मैंने सीमा पार भी किया हूँ, आपको जानकारी होगा कि जब हम राष्ट्रीय कार्य समिति अनुसूचित जाति मोर्चा के रहे और जब हम उत्तर प्रदेश में जब प्रभारी रहे तो उस रूप में भी और ऐसे भी हमको चाहे गुजरात का विधानसभा चुनाव रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ का विधानसभा का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जैसा चाइना के बॉर्डर जहां पड़ता है वहां के चुनाव रहा हो, दिल्ली के चुनाव रहा हो, गुजरात के मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव रहा हो, ये सभी चुनाव में हमको कहीं ना कहीं भेजा गया, हम चुनाव में काम किए, तो हम तो पार्टी के लिए काम करते हैं। अब जहां तक अभी की बात है, अभी तो आप देख रहे होंगे कि अगर पार्टी निर्देश करती है कि आपको फलाने बूथ में जाकर के राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ के सुनाना है, मैं वहां भी जाता हूँ, पार्टी का निर्देश होता है। अभी देखिए देखिए क्लस्टर के प्रभारी बने थे, हुआ कि भाई आपको खूंटी और जमशेदपुर लोकसभा में जाकर के देखना, मैं वहां भी गया हूँ। अभी कल जो है से यहाँ कार्यक्रम किया हूँ जो कारगिल विजय दिवस के अवसर पर, अभी आज रंका जाने में जाने वाला हूँ। देखिए अनवरत में चलने वाला व्यक्ति। अब रही बात आगे भविष्य के लिए, मैं तो भविष्य में यही सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाला 2024 में पुनः इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कैसे बने, पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको, और विधानसभा चुनाव हो, उस विधानसभा चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बने, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके लिए जवाहर पासवान प्रयासरत हैं, लगातार कार्यक्रम में जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की टीम में जवाहर पासवान भी हो यह भी जरूरी है। देखिए उनके टीम से हम बाहर कहा है, अगर आप देखिएगा तो हम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे टीम में। देखिए अभी जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो नरेंद्र भाई मोदी के टीम से बाहर नहीं है, उनके टीम के अंदर में, बाकी जवाबदेही जो होती है, जिम्मेवारी जो होती है, ये नेतृत्व का काम है। नेतृत्व जहां समझेगा उचित समझेंगे, लगे कि जवाहर पासवान को अमित जगह पर रखना चाहिए तो नेतृत्व उसमें निर्णय करेंगे, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं बोले ना कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है,
कमांडर आदेश कर देगा जाके बॉर्डर पर गोली चलाना, तो बॉर्डर पर गोली चलाएंगे। कमांडर अगर कह देगा कि नहीं आपको जिला में जो है मोर्चा संभालना, जिला में संभालेंगे। बोले कि नहीं आपको प्रदेश में मोर्चा संभालना है, प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे। अगर कमांडर कहता है कि नहीं आपको देश का मोर्चा संभालना, देश का मोर्चा संभालेंगे। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग एक बोले ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय सेना के जवान कभी नहीं निकल सकते। जो आदेश उनको मिलता है उदास पूर्ण करते हैं। आज मैं भी हूं, पार्टी जो निर्देशित करेगी, जो आदेश करेगी, उस आदेश पर हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। कमांडर का निर्देश हो रहा है कि सभी जो सेना है वो सेना एक रहे, और जगहों पर देखा जाए तो एक है, लेकिन गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में देखे जवाहर जी तो आपसी जो सेना की टुकड़ी है, टुकड़ी एक नहीं लगता है। अगर राजनीति की भाषा में बात करें तो दल के रूप में लोग साथ रहते हैं, दिल से साथ नहीं होते हैं। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा, भले आप सीधे रूप में न बोलने, बोलना भी नहीं चाहिए इसको स्वीकारते हुए, लेकिन यहाँ पर अगर आप महसूस करें तो लोग दल से मंच पर रहते हैं, दिल से नहीं रहते हैं। आपके प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी आए हुए थे, हमने उनसे पूछा था जब मंच से कार्यक्रम के नीचे उतरे थे कि मंच पर आपको सभी नेता नजर आए आपको, तो हाँ सभी को बैठा हुआ था। उनका जवाब था हम कि आपने यह महसूस किया कि वह दल से भले साथ में थे, दिल से साथ में नहीं थे। वो कहे कि हम तो घंटा भर में रहे, हम तब मैंने महसूस करना मुश्किल है, इस बात को देखेंगे। देखिए सर, जहां तक दल और दिल की बात है, जैसे आजकल चला है सीसी कैमरा लगाया जाता है ना, भारतीय जनता पार्टी का सीसी कैमरा बहुत लगे हुए, एक नहीं कई विंग भी काम करते हैं, बहुत भारतीय जनता पार्टी के अनुसांगिक लोग काम करते हैं, तो यहाँ अनुसांगिक का कैमरा लगा हुआ है। और जहां तक आप बोल रहे हैं, देखिए पार्टी तो है एक है, पार्टी में कोई विभेद नहीं है। मैं पूछता हूँ संगठन यहाँ एक है, अध्यक्ष हमारे एक है, अध्यक्ष दो तो नहीं है, संगठन एक है। रही बात दिल और दल की, तो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो दिल से है, और यदि जवाहर पासवान अगर दल के विरोध में कोई काम करता है तो जवाहर पासवान बोले या नहीं बोले, लेकिन उस सीसी कैमरा में कैद हो जाता है कि जवाहर पासवान ने कहां पर दल विरोधी काम किया है। तो इसमें दल में रहने वाले जो लोग हैं अगर दल विरोधी काम करेंगे तो निश्चित रूप से नेतृत्व इसको देखता है, उस पर निर्णय करता है, तीसरी आंख है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है, किसी पार्टी है, बाकी कोई पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टियों को देखेगी उनके आंख के सामने, अभी देखिए ना सरकार चल रही है ना भाई, अभी यहाँ जेएमएम की सरकार है, जेएमएम की सरकार में आप देख लीजिए कांग्रेस इनके साथ है, कांग्रेस इनके साथ रहते हुए इनके विरोध में जैसे कांग्रेस बयानबाजी कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल इनके साथ है इसकी बयानबाजी कर रही है, और जो भी लोग हैं इनके। लेकिन मेरे को बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथ हैं वहां कहां अलग बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक हैं, एक रहेंगे, क्योंकि हमको यही सिखाया जाता है। हमारा एक जब प्रशिक्षण होता है, एक वर्ग चलता है, उसमें पार्टी विद द डिफरेंस एक हम लोग का चैप्टर होता है, उसमें पढ़ाया जाता है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां उसमें भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। तो अन्य पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में अंतर यही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी पार्टी के विरोध में जा सकता है, और जो पार्टी के विरोध में कार्यकर्ता जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो नहीं है वही पार्टी के विरोध में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का नीति रीति और संस्कार भी है कार्यकर्ताओं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा, दो चुनाव है लोकसभा का, विधानसभा का, कौन किस रूप में साथ आता है, अपने पार्टी के उम्मीदवार को किस रूप में साथ देता है या भीतरघात करता है, तो आने वाला वक्त बताएगा जवाहर जी। लेकिन अभी पिछले दिन आपसे बात हो रही थी हम लोग की जिला मुख्यालय में, तुम लोग बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी नाम शुरुआत में भारतीय, अब आपके विपक्ष में इंडिया, तो कैसे? देखिए इस पर अगर आप विचार करेंगे, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंडिया किसका नाम दिया हुआ है? इंडिया देश का नाम नहीं है, भारत का नाम नहीं है, इंडिया विदेशी का नाम है। और इसका नामकरण आपने, हमने भी पढ़ा था कि नामकरण किसने सुझाया, वो माननीय राहुल गांधी जी ने इंडिया नाम सुझाया। अब इंडिया नाम सुझाया इन्होंने, राहुल गांधी कहाँ के रहने वाले हैं, इनका ओरिजिन कहाँ का है, इटली का है। जो व्यक्ति बाहर का है, जो देश का है ही नहीं, उसको देश के प्रति कैसे प्रेम हो सकता है? इंडिया रख सकते हैं ना,
लेकिन हम कहते हैं भारत माता की जय, वो इंडिया माता की जय बोलेंगे क्या? देखिए नाम रखना, जो जिसका मानसिकता, कहा गया है एक संस्कृत में श्लोक है कि जो जस ओ आप अनुहोत है तो तस दूसरऊ जान, क्या साधु जाने चोर को, क्या चोर जाने साधु सुजान। तो जिसका जिस तरह की मानसिकता होती है उसी मानसिकता से काम करता है। और अभी यूपीए में जितने भी लोग हैं जो इंडिया नाम रखे हैं, वो सब कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ का है, इंडिया के थोड़े है। आप अधिक देख लीजिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी का, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है। आप चले जाइए कश्मीर में, वो जो अब्दुल्ला परिवार जो है क्या करता है, अति को तिरंगा की जलाने की बात करता है। आप चले जाइए यहाँ उत्तर प्रदेश में, इन लोग किसको करते हैं, ये लोग आतंकवादी के साथ देते हैं। देखिए जो जिसको प्रेम है, भारत जो नाम है वो भारत को किसी का दिया हुआ आज का नाम नहीं है, ये प्राचीन काल का है। अब इंडिया कब का है, इंडिया कौन बनाया जब अंग्रेज यहां है। हमको भी बताइए कि कहीं भी आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़िए, आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़िए, कहां उसमें इंडिया के शब्द का इस्तेमाल है, कहीं है क्या, कहीं नहीं है। इंडिया कहां से आया है, जब अंग्रेज यहां है, और अंग्रेज आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हम लोग तो कहते हैं कि अंग्रेज चले गए लेकिन अपने कुछ औलाद को छोड़कर के इंडिया में चले गए, वही औलाद आज भारत को जो है विभक्त करने के प्रयास कर रहे हैं, भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के और भारत के रहने वाले लोग जो भारत माता के लाल है, कभी उसको उनकी सपना को पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए इंडिया रख करके खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे हैं और अपने मानसिकता झलकाए हैं। संगठन ऐसे भी तो प्रगाढ़ है ही, मजबूत है ही भाजपा। बाबूलाल मरांडी के अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से और संगठन में धारा है। देखिए बाबूलाल मरांडी जी एक ऐसा शख्सियत है कि उनको अध्यक्ष बनने के बाद में, चाहे वो नए कार्यकर्ता हो या पुराने कार्यकर्ता हो, सबके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ है। कारण कि एक ऐसा वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं कि उनसे मिलना, उनसे अपनी बात को कहना बहुत ही सहज है। तो सहज व्यक्ति, अगर सरल व्यक्ति अगर नेतृत्व अगर संभालता है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में खुशी का लहराता है। और निश्चित रूप से इनको अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, इस झारखंड में रहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, उनके अंदर भी ऊर्जा का संचार हुआ है। और वो भी इस बात को समझ गए हैं कि बाबूलाल जब इस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो आने वाला समय में जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव होगा तो 14 में 14 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जब विधानसभा के चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पूरा विश्वास लोगों के बीच में हो गया। अंतिम सवाल जवाहर जी, सारी बातें हो गई, आज हम बैठे हुए जवाहर पासवान से बात कर रहे हैं, आने वाला वक्त क्या वो वक्त भी लाएगा समय जब हम एक सांसद के रूप में जवाहर पासवान से बात करें। देखिए कल क्या होगा कौन जानता है, इंसान अपना कर्म करता है। और आप तो आज से हमको नहीं जान रहे, मैं तो लाल बत्ती भी लेकर के जब आया था, जब लाल बत्ती लेकर के, तो मेरा वही मित्र, वही जगह, वही चाय दुकान, वही पान दुकान, कभी हमें परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए हम बहुत मतलब हर्ष से लेकर के अर्श तक भी हम रहे हैं, हम मुख्यमंत्री के साथ भी रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के साथ भी, आपको उन्होंने बताया कि बैठक भी किया है अन्य लोगों के साथ, हमारे अंदर कभी जो है मतलब क्या उसको बोलिएगा, अभिमान नहीं आता है लेकिन स्वाभिमान है, हम स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। और इतना आप जान लीजिए कि जवाहर पासवान को आज नहीं, आप जवाहर पासवान के पहले भी मिले हैं, आज भी मिले हैं, भविष्य में भी परमात्मा ने चाहा अगर इसके अलावा भी कहीं अगर जगह मिलता है, कहीं हम पहुंचते हैं, तो जवाहर पासवान में कोई अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जवाहर पासवान जवाहर जवाहर है, जवाहर में क्या अंतर हो सकता है बताइए। इसलिए आप, मैं बताया ना कि प्रारब्ध क्या लिखा है, हम कल कहाँ जाएंगे, आप कल कहाँ रहेंगे, ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना निश्चित एक चीज तो जानते हैं कि हमको अगर गम भी होता है तो हम घबराते नहीं है, और खुशी भी होता है तो हम इतराते नहीं है, हम सामान्य रूप से चलते हैं, आपने देखा भी है। और आने वाला समय एगो है कि मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुझे कितना प्यार करते हैं सनम। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी, सही बात है, मौके की बात है। और जवाहर पासवान वो शख्स हैं जो लगातार संघर्ष की बुनियाद पर, इनकी
सामाजिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन संघर्ष की बुनियाद पर टिका हुआ है। और जब बुनियाद मजबूत होता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है। छात्र जीवन से लेकर के आज तक आपने खुद सुना इन्हीं की जुबानी कि कैसे कैसे पदों को इन्होंने सुशोभित किया। अब यहां पर जिम्मेवारी बनती है दो लोगों की, एक तो इनकी पार्टी भाजपा की। इनकी पार्टी इन्हें जहां भी जिम्मेवारी देती है, चाहे वो संगठन का काम हो, विधानसभा चुनाव में इन्हें जिम्मेवारी दी जाए, लोकसभा चुनाव में जिम्मेवारी दी जाए, अपने झारखंड में हो, गुजरात में हो, यूपी में हो, हर जगह जहां भी इन्हें जवाबदेही दी गई उस सभी जवाबदेही का इन्होंने बखूबी निर्वहन किया और बढ़िया से बढ़िया परिणाम लाकर सामने दिखाया। तो अब हमने कहा कि दो जिम्मेवारी बनती है, एक तो इनकी पार्टी की कि जिस पद के लायक हैं ये, ऐसे तो इन्होंने अच्छे अच्छे पदों पर काबिज रखकर काम किया है। सबसे बड़ी बात कि चुनाव समिति में भी शामिल रहे हैं जिनमें उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद मौजूद रहा करते थे, उनके साथ उनके बगल में बैठ करके इन्होंने चुनाव समिति में अपना जवाबदेही निभाया है। तो अब जिम्मेवारी बनती है पार्टी की, निश्चित रूप से इनके संघर्ष को देखते हुए, इनके कार्य क्षमता को देखते हुए, इनके कार्य कुशलता को देखते हुए उस जिम्मेवारी को भी दे जिसे लेकर के इन्होंने आज तक संघर्ष किया है। और उनके दिल में जो दर्द है, जो इन्होंने दर्द को जिया है शुरुआत से लेकर के, कि कैसे अपना गांव था, कैसे अपना क्षेत्र था, कैसे यहाँ पर उस क्षेत्र को विकसित करना है, यह बखूबी जानते हैं। तो एक तरफ जहां पार्टी को यह समझना होगा, वहीं दूसरी तरफ जिनके लिए इन्होंने संघर्ष किया है यानी जनता के लिए, उन्हें भी समझना होगा कि जिस हाथ में कोई अधिकार नहीं है उस हाथ से इन्होंने वो काम किया है। अब जरूरत है इनके हाथ में वो अधिकार देने की, ताकि जो लोगों के दिलों में कसक है कि यह नहीं हो पाया है हमारे लिए, उस काम को भी अपने कार्य कुशलता के जरिए बखूबी करके दिखाएंगे। धन्यवाद।